इंडिया न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर सैदी और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बताते हैं। भरतपुर से दो समुदाय के बीच झगड़े का मामला है, इस वक्त की यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समुदायों के बीच में, दो समुदाय के बीच में झगड़ा हुआ है। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ले रहे हैं बैठक, तो सर्व समाजी की कलेक्ट्रेट में हो रही है बैठक। बैठक में आईजी, कलेक्टर, एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद, शांति व्यवस्था बनाए रखने की चल रही है बात। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात की जा रही है। दो समुदाय के बीच झगड़े का मामला है, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग बैठक ले रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। सर्व समाजी की कलेक्ट्रेट में बैठक हो रही है, तो बैठक में आईजी, कलेक्टर, एसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात चल रही है और शांति ना बिगड़े इसको लेकर लगातार बात जारी है। तो राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग बैठक ले रहे हैं और सर्व समाजी की कलेक्ट्रेट में बैठक हो रही है और शांति बनाए रखने के लिए तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तो बैठक की जा रही है, भरतपुर में दो समुदाय के बीच झगड़े का मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भरतपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, भरतपुर में दो समुदाय के बीच में झगड़े का मामला है, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी बैठक ले रहे हैं, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, रात को 11 बजे के करीब ये झगड़ा स्टार्ट हुआ था। पहले कारसुनी हुई और उसके बाद ये झगड़े ने तेज रूप ले लिया था। काफी पत्थर फेंकाई हुई, बोतल फेंकी गई, काफी कुछ हुआ। उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तमाम पुलिस फोर्स में उस एरिया में पहुंचाई गई, अटलमेंट थाना क्षेत्र एरिया में पहुंचाई गई और जो एसपी हैं, आईजी हैं, वो सारे पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। जाके उन्होंने मामला शांत कराया, काफी फोर्स लगा दी गई, छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरा एरिया। राजीव, तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और बैठक कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाई जाए, लोगों से अपील भी की जा रही है। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर रात को व्यवस्था कर दी थी और उसके बाद जैसी सूचना मिली है, जो यहाँ के भरतपुर विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं प्रदेश सरकार में डॉक्टर सुभाष गर्ग, वो यहाँ आए थे और यहाँ आके उन्होंने तमाम जो लोग हैं, तमाम समुदाय के लोगों के जो मुख्य मुख्य मौजूद लोग हैं, उनको इकट्ठा किया। उसके बाद उनको सूचना दी गई, उनको बुलाया गया, कलेक्ट्रेट में ये मीटिंग दी गई है। सारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी उस समय मौजूद है और वहाँ मीटिंग की जा रही है और कैसे भी शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा बना रहे, समन्वय बना रहे, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है, समझाइश की जा रही है। जो भी दोषी हैं या जिनने भी गड़बड़ी स्टार्ट की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी सभी से कहा गया है। राजीव, और ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी मौजूद हैं, राज्य मंत्री बैठक ले रहे हैं, समझाइश की जा रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें इस झगड़े की, तो कहां से ये शुरुआत हुई? झगड़ा ये काफी पुराना झगड़ा बताया जा रहा है कि ये दो समुदायों के बीच काफी लंबे समय से ये झगड़ा था। छुटपुट घटनाएं होती रहती थी, पहले भी कई बार ऐसा झगड़ा हुआ था, लेकिन जो कल की जो स्थिति थी वो अलग थी, क्योंकि आजकल पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश में ही मामला ऐसा कुछ बन रहा है, उसके हिसाब से कुछ ज्यादा आमने सामने लोग हो गए और उसके बाद पुलिस को सूचना मिली, समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई, तुरंत चारों तरफ से उसको फोर्स ने घेर लिया था एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, और वहाँ तुरंत जो भी उपद्रवी थे उनको सबको अरेस्ट किया गया। बिल्कुल, और सभी लोगों का धरपकड़ भी की जा रही है एक तरफ, और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि इस तरह के माहौल को पैदा ना करें और शांति व्यवस्था को बरकरार रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।